बसम्अल डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूँ प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक फेडरल असम्बली इन स्विट्जरलैंड फॉर्मेशन पार्स एंड फंक्शन स्विट्ज़रलैंड में मजलस क़ानून साज़ या फेडरल असम्बली उसकी तश्की इख्तियार फ़रज़ तो ये नया टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे स्विट्ज़रलैंड में मदल से क़ानून साज आम जुबान में जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है उसका नाम फेडरल असम्बली है आ, अगर इम्पारशली देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा इदारा नहीं है <coughs> क्योंकि नो डाउट no स्विट्जरलैंड में तमाम कानून शादी फेडरल असम्बली ही करती है लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एक मुनफरद तरीका ये भी है कि आवाम बरह रास्त कानूनसाजी में हिस्सा लेते हैं दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आवाम बरह कानून कानूनसाजी में हिस्सेदार हैं बराबर के हिस्सेदार हैं ताहम यह बात भी वाज़ है कि कन्फेडरेशन के तमाम अला इख्तियार मालिक फेडरल असम्बली ही है और उसका जो इम्तियाज़ या प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन uh, या पॉलिटिकल सिस्टम के बरक्स स्विट्ज़रलैंड uh, की फेडरल असम्बली के बनाए हुए कवानीन को ना तो कोई इंतजामी अदारा और ना ही कोई जुडिशल रिव्यू उसको अंडू करने की पोजीशन में नहीं है यानी फेडरल असम्बली ने जो कवानीन बना दिए हैं उनको कोई इंतजामी अदारा या अदाल अदालत उसको अंडू नहीं कर सकती बहरहाल आइन के आर्टिकल सेवनटी वन के तहत रियासत के इतदाराला का मालिक जो है वो फेडरल असम्बली है और फेडरल असम्बली इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है कि वो हर तरह की कानून साजी करने की मजाज़ है स्विट्ज़रलैंड में फेडरल असम्बली के दो हाउसेज़ हैं और ये हाउसेस जो हैं इन में एक आ, अपर हाउस है आ, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और इसमें जो नुमाइंदगी है वो आ, टोटल जो 26 कैंटन्स हैं, उनको नुमाइंदगी हासिल है इसमें 20 जो हैं वो फुल कैंटन्स हैं, जिनके दो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और हर कौंसल हर हर कैंटन के कौंसल में दो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो हाफ कैंटन है उसका वन रिप्रेजेंटेटिव होता है और इस तरह से इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है तादाद है या नंबर है वो आ, 46 सिक्स है यानी चालीस फुल कैंटन्स के और छः जो है वो हाफ़ कैंटन्स के तो इस तरह से ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो फोर्टी सिक्स बनती है इस तरह से आ, इसका जो लोअर हाउस है उसमें उसको आ, नेशनल काउंसिल कहा जाता है और उसमें तमाम जो आ, स्टेट्स हैं या तमाम जो कैंटन्स हैं उनको आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है तो सबसे पहले हम अपर हाउस की बात करते हैं तो अपर हाउस में जैसा मैंने ये कहा कि टोटल 26 सिक्स हैं और उसमें 20 फुल और 6 तो इनकी छः हाफ़ तो इस तरह से उनकी जो टोटल नंबर है वो 46 बनता है और ये जो नुमाइंदगी है इसका इन 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 इसका तरीक़ार भी Uh, हर uh, रियासत में इनका जो इलेक्शन है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सेवनटीन कैंटन्स में ये इनको आवाम डायरेक्टली अलैक्ट करते इसके अलावा चार कैंटन्स में इनको जो अवामी अजतमा है उसके ज़रिए अलेक्ट किया जाता है और uh, बाक़ी जो कैंटन्स हैं, उसमें नुमाइंदे जो हैं वो स्टेट असम्बलीज़ जो है उनको अलेक्ट करके भेजती हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर भी मुख्तलिफ है चौदह कैंटन्स में इनकी जो टेन्योर है वो चार साल है और आठ कैंटन में तीन साल है और जो बाकी कैंटन्स हैं उसमें एक साल है तो जिस तरह से इनका इलेक्शन मुख्तलिफ तरीके से होता है इस तरह से इनकी जो टर्म ऑफ टर्म या टेन्योर जो है वो भी मुख्तलिफ है यानी एक्चुअली इन इसकी जो आ, टोटल इसका टेन्योर है वो चार साल है लेकिन इसमें किसी भी आ, जिस तरह से बाज़ स्टेट्स जो हैं बाज़ कैंटन जो हैं वो फुल टाइम के लिए उनको भेजती हैं और बाद जो है वो तीन साल के लिए और बाद एक साल तो जितना वो उनका वक्फा होता है टाइम होता है वो उतना गुजार के उसको वापस बुला लेते हैं और फिर उसकी जगह पर नए लोग जो हैं उनको मुंतखब करके भेजा जाता है तो इस तरह से ये एक मुनफरद निज़ाम इसको कहा जाता है जहाँ तक आ, मेंबर बनने के लिए एहलीत का ताल्लुक है ये अला तालीम याफ़्ता होते हैं बासलाहत होते हैं बाकिरदार होते हैं जहनी तौर पर पुख्ता कार होते हैं सीज़न होते हैं एक्सपीरियंसड होते हैं और जो कैपेबल होते हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके होते हैं तो उन लोगों को आ, मौका दिया जाता है और आ, उनकी कारी अगर बेहतर हो और उनका जो अपनी जो आ, फोकस की करें अगर इन मामल को तो अगर कैंडिडेट की अपनी जो है दीद हो तो बाज़ मेंबर्स को बार बार मौका जो है वो दिया जाता है और उनको बार बार मनतखब होने का मौक़ा मिलता है जहाँ तक काउंसिल ऑफ स्टेट की सदारत का ताल्लुक है तो काउंसिल जो है वो अपने हर इजलास में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको आ, अलेक्ट करती है एक साल का एक साल के लिए इनको अलेक्ट किया जाता है और जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल का बना है वो दोबारा अलेक्ट नहीं हो सका हो सकता आ, इसका साल में कम से कम एक इजलास होना ज़रूरी है और रवायती तौर पर साल में एक ही इजलास होता है और अगर पाँच कैंटन्स जो हैं वो इजलास बुलाने के लिए रेकोजेसन दें तो फिर लाजमी तौर पर इजलास बुलाया जाता है जो एक खसूस इजलास कहलाता है आ जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसका इसमें कोरम का जो मामला है उसमें ट्वेंटी थ्री मेम्बर्स जो हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है अगर ट्वेंटी थ्री लोग मौजूद हैं एटलीस्ट ट्वेंटी थ्री लोग मौजूद हैं तो उसको आ, लीगल आ, सेशन जो है वो उसको सवर किया जाएगा लेकिन अगर आ, लेस देन ट्वेंटी थ्री हैं तो फिर इजलास जो है उसको एडजर्न कर दिया जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट उसकी फॉर्मेशन अब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल की जो लोअर हाउस है और इस लोअर हाउस में तमाम कैंटन्स को आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 200 है और इसमें कमी बेशी होती रहती है यहाँ जैसे मैंने अभी बात की कि तमाम कैंटन्स को नुमाइंदगी जो है वो दी जाती है और तमाम कैंटन्स को आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है और इस नेशनल काउंसिल में जो लोअर हाउस है इसमें किसी भी छोटी से छोटी रियासत में कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल जो बर्न है कैंटन उसके ट्वेंटी नाइन हैं और यूरी जो है उसका एक तो इस तरह से ये भी है कि चौबीस हज़ार अफराद पर मुश्तमिल हल्का इंतब होता है कॉन्स्टिटुंसी जो है वो चौबीस हज़ार अफराद पर है और ये हर दस साल बाद मुल्क में सेंसस होती है और उसकी बिना पर इसका जो है वो यानी नुमाइंदगी का जो तरीक़ाकार है उसको डिफ़ाइन किया जाता है जहाँ तक नेशनल काउंसिल में इलेक्शन मेंबर्स के इलेक्शन का ताल्लुक है तो ये अडल्ट तरीक़ार पर होता है बालिग राय दही की बुनियाद पर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है और आ, एक और जो अहम बात है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेटिव रिप्रजेंटेशन तो इसमें इस, इस तरीके के साथ होता है आवाम बरह रास्त अपने नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब करके भेजते हैं और आ, कौंसल की जो नेशनल कौंसिल है इसकी मदद जो है वो चार साल है इसमें वोटर जो है उसकी जो वोट कास्ट करने की जो उम्र है वो ट्वेंटी वन ईयर यानी इक्कीस साल का हर फर्द अपना वोट कास्ट करने की अहलियत रखता है और इसकी जो मुद्दत है चार साल नेशनल काउंसिल की ये उन्नीस सौ बीस से ये चला आ रहा है काउंसिल का साल में कम से कम एक इजलास जो है वो ज़रूरी है और इसकी उस इजलास की सदारत के लिए एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको मंतख किया जाता है और ये उसी इजलास के लिए होता है यानी अगले इजलास के लिए नया प्रेसिडेंट और नया वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको अलेक्ट किया जाएगा और कोई जो एक दफ़ा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गया है वो दोबारा आ, उस सिलसिले में यानी वो दोबारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अपनी कैंडिडेट नहीं देते और जहाँ तक कोरम का ताल्लुक है नेशनल काउंसिल का कोरम जो है वो वन हंड्रेड वन मेंबर्स पर मुश्तम है यानी एक सौ एक लोग मौजूद हों तो वो लीगल सेशन करार पाएगा और अगर एक सौ एक लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है जहाँ तक नेशनल कौंसिल की रुकनीत के लिए मेंबरशिप के लिए क्वालिफ़िकेशन का ताल्लुक है तो उसके लिए कोई भी शहरी जो स्विट्ज़रलैंड का शहरी है और उसकी उम्र इक्कीस साल यानी वो वोट कास्ट करने की अहलियत रखता है तो वो मेंबर बनने का भी अहल है इसके अलावा कोई जो प्रीस्ट है पादरी या गवर्नमेंट एम्प्लाई जो है आ, फेडरल काउंसिल के मेंबर जो हैं वो और वो बनने के अहल नहीं है नेशनल काउंसिल को उसकी जो मुद्दत है टर्म चार साल की उससे पहले बरतरफ नहीं किया जा सकता हाँ ख़ास हालात में अगर आयन पर रिवीजन का अमल जारी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आ, कोई मामला हो तो इस सिलसिले में अगर फेडरल असम्बली के जो दोनों हाउसेज़ हैं यानी कौंसिल ऑफ स्टेट्स और नेशनल कौंसल उनमें किसी मसले पर इख्लाफ हो जाता है तो फिर मामला रेफरेंडम की तरफ जाएगा और रेफरेंडम में अगर आ, जो आवाम की अक्सरीत है अगर उसके हक में फैसला दे दे या नेशनल काउंसिल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे ऐसी सूरत में नेशनल काउंसिल को बरतरफ कर दिया जाता है यानी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके साथ एक अहम बात ये, ये भी है कि जब नेशनल काउंसिल को डिसॉल्व किया जाता है तो फेडरल काउंसिल भी आ, आ, उसको भी डिज़ाइन करना पड़ता है तो ये थी आ, हमने बात की नेशनल काउंसिल की फॉर्मेशन की अब हम इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको क्या आ, किस तरह के इखतियार तो फ़रज़ हासिल हैं फेडरल असम्बली जो है जाहिर है एक वफाकी या लजस्लेचर जो है कानूनसाजी के मुक़म्मल इक्तारात उसके पास है यानी कन्फेड्रेशन के कानून साजी के तमाम इख्तियार की हामिल हैं दोनों हाउसेस स्टेट्स और नेशनल काउंसिल दोनों मसावी इख्तियार हामिल हैं और इसको हम वन बाय वन कैटागोकली देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे अहम इख्तियार है उसका कानून साजी के हवाले से लजस्लेशन के हवाले से तो फेडरल असम्बली जो है उसको एक तो जो उसकी फेडरल लिस्ट है उसके मुताबिक वो तमाम अमूर जो जिनका जिक्र उसमें है उसके मुताबिक क़ानून सदी करने के इख्तियार हैं इसके अलावा जो कंक्रेंट लिस्ट में आ, उसको वो मजाज है कानून शादी करने की और उसके साथ कैंटन्स जो हैं वो भी मजाज होती हैं क़ानून शादी करने की तो ऐसी सूरत में अगर दोनों यानी कंक्रिस्ट को मुतसल अमूर की फहरस्त भी कहा जाता है अगर उसमें दोनों यानी मरकज़ भी और यानी फेडरल असम्बली भी और कोई कैंटन या ज़्यादा एक से ज़्यादा कैंटन कानून शादी उस पर कर रही हैं यानी बैक वक्त कानून शादी हो रही है और उस कानून शादी के सिलसिले में कोई तनाज़ा पैदा हो गया तो ऐसी सूरत में जो मरकज़ी कानून होगा उसको फ़ोकियत दी जाएगी और कैंटन का बनाया हुआ कानून जो है वो नॉल एंड वाइड करार पाएगा मुस्तरद कर दिया जाएगा उस, उसकी कोई असियत नहीं होगी इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो आ, एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो है उसको हम ये देख रहे हैं कि वफाकी आ, असम्बली यानी फेडरल असम्बली जो कानून बनाती है उस कानून को आ, कोई इंतज़ामी अदारा या इवन अदालत भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती उस पर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं है उस पर अदालती नज़रसानी नहीं है उसको अंडू नहीं किया जा सकता तो इस हद तक हम ये देखते हैं कि बाख्तियार है फेडरल कौंसल जो है वो बिल तैयार करती है आ, उसको फिर फेडरल असम्बली में पेश किया जाता है और उसकी ए, एक हाउस से मंजूरी दी जाती है फिर उसको दूसरे हाउस में मंजूरी के लिए दिया जाता है वहाँ से मामला तय करते हुए वो आगे बढ़ता है और फिर आ, अगर वो वहाँ से भी मंजूर हो जाए तो फिर कैंटन से मंजूरी लेने के बाद वो कानून जो है वो आयन का हिस्सा बन जाता है लेकिन अगर किसी जगह पर इख्लाफ हो जाए फेडरल असम्बली के दोनों हाउस में इख्तलाफ की सूरत में एक मुशतरक कमेटी जो है वो आ, तश्कील दी जाती है यानी जो दोनों हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तम होती है और आम तौर पर वो कमेटी जो है वो इन मामलों को निपटा लेती है आसन तरीके से इस पर काबू डाल लेती है लेकिन अगर वो जो एक कॉमन कमेटी जो है बनाई गई है अगर वो बेनतीजा रहे किसी नतीजे पर ना पहुंच सके या रिकनसिलेशन ना करवा सके तो फिर उस बिल को मसरद तस्वर किया जाता है आम नोयत के जो बिल होते हैं उन बिलों पर आ, अवामी रेफरेंडम भी करवाया जाता है और हतमी मंजूरी जो है यानी फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो रेफरेंडम के बाद आती है इसमें जो आइन की रुईन का मामला हो या फिर अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला हो तो इसमें दोनों हाउसेस जो हैं वो उनकी मंजूरी ली जाती है और उसके बाद फिर उस उसके कैंटन्स की मंजूरी ली जाती है और फिर उसको रेफरेंडम के लिए अवाम के पास भेजा जाता है इसके अलावा एक तरीक़ार ये भी है कि अगर आठ कैंटन्स या Uh, कोई तीस हज़ार के करीब अफराद मुतालबा करें तो वो बिल जो है वो रेफरेंडम के लिए पेश कर दिया जाता है और रेफरेंडम में अगर हाफ प्लस वन आ, आ, हाफ प्लस जो है लोग अगर उसके हक में वोट दें तो वो बिल मंजूर तसवर किया जाता है सूरत दिगर उसको मुस्तरद समझा जाता है तो बात ये भी होता है कि रेफरेंडम से बचने के लिए फेडरल असम्बली जो है वो किसी बिल को मखसूस बिल करार दे देती है जिस जिस ये कह लें एक रखना होता है जिसकी मदद से रेफरेंडम से बचा जाता है या जिसकी मदद से वो जो बाहमी इख्तलाफ है उससे बचने की कोशिश की जाती है और आम तौर पर मामला तय पा जाते हैं और फिर रेफरेंडम, रेफरेंडम की नौबत नहीं आती इसके अलावा फेडरल असम्बली को फिनशल पार्स जो हैं वो भी हासिल हैं फाइनेंस पर उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है वो तमाम जो महकमों के जो आमदन होती है अखराजत होते हैं उनका तखमीना जो बना है बनाया जाता है टैक्सेस का नफाज किया जाता है उसके हसूल की जिम्मेदारी ली जाती है कर्जों का जो लेन देन होता है उसके मामल होते हैं तनहाओं और अलाउंस सैलरीज और अलाउंस के जो मामलों होते हैं उनका तयन किया जाता है और सालाना जो बजट होता है उसकी तैयारी की जाती है और उसके तमाम तखमीने बनाकर उसकी मुकम्मल तैयारी की जाती है और फिर उसको जो है फेडरल असम्बली में पेश किया जाता है और इसकी बजट की जो तैयारी है वो फेडरल कौंसल करती है और फेडरल कौंसल इस पर मुकम्मल तैयारी करने के बाद इसको फेडरल असम्बली में पेश करती है बजट के हवाले से फेडरल uh, असम्बली में फेडरल कौंसल को तंदो तेज सवाल और ज़बरदस्त तनकीद का भी सामना करना पड़ता और उसके तलखशीरी जो सवालात होते हैं उनका जवाब देना पड़ता है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फेडरल असम्बली जो है वो फेडरल uh, कौंसल का एहतसाब और अकाउंटेबिलटी जो है वो आ, वो भी मनूज खातर रखती है वो उसको एक एक टाइट माहौल जो है वो दिया जाता है और बाज़ा मालियाती जो बिल यानी फैनानस बिल जो है वो अवामी मंजूरी के लिए उसको रेफरेंडम की शक्ल में आवाम के सामने भी पेश किया जाता है और आवाम से मंजूरी ली जाती है इसके अलावा फेडरल uh, असम्बली है वो एग्जटिव पार्स भी रखती है अहम इंतजामी उसे हासिल होते हैं जिसमें जो आ, 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 हायर अथार्टीज़ फेडरल अथॉरटीज़ होती हैं हुकाम जिनका इलेक्शन जो है वो किया जाता है दिफाही जो माहदात होती हैं वो किए जाते हैं जंग और अमन के जो मामल होते हैं सुलह और जंग के मामलों उसके लिए भी पेशरफ्त होती है और बैरूनी दुनिया से जो माहदात होते हैं उनकी तश्कील और तोसिद जो है वो भी इस सिलसिले में होती है और इस सिलसिले में उससे मुख्तलफ जो अपॉइंटमेंट्स करती है वो भी इस हवाले से होती हैं और ये उसकी एग्जेक्टिव जो पार है उसमें आती हैं और बाजात फेडरल कौंसल की जो कारदगी होती है उसको फेडरल असम्बली में हदफ तनकीद जो है वो बनाया जाता है दूसरे फाज़ में हम ये कह सकते हैं कि फेडरल कौंसल की जो एहतार जवाबदेही होती है वो भी फेडरल जो असम्बली है उसमें की जाती है ताकि उनके मामलत जो हैं वो देखे जाएं और उनको थोड़ा सा टाइट किया जाए फेडरल काउंसिल को ये एक कह लें एक फैसिलिटेशन हासिल होती है कि वो फेडरल असम्बली के अजलासों में शिरकत करते हैं और वहाँ बिल पेश करते हैं वहाँ अपनी बात करते हैं उन उनको कायल करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ़ से जो सवालत होते हैं यानी फेडरल असम्बली की तरफ़ से फेडरल कौंसल को यानी मुकन्ना की तरफ़ से इंतज़ामिया को हदफ तनकीद बनाया जाता है उनकी उनका एहतसाब किया जाता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो की जाती है इसके अलावा फेडरल असम्बली को जुडिशल पार्स भी हासिल होती फेडरल ट्राइब्यूनल के जजिस का इंतब जो है वो किया जाता है आ, ये इंतखब जो है वो फेडरल असम्बली अपने मुश्तरक इजलास में करती है इसके अलावा फेडरल असम्बली को सज़ाओं में मुआफ़ी देने या कमी करने का भी इख्तियार हासिल होता है और बात यानी फेडरेशन और कैंटनस के दरमियान या किसी कैंटन के साथ कोई तनाज़ा हो जाए तो उस तनाज़े का तस्फ़िया कराना भी फेडरल असम्बली के अख्तियार में शामिल है वो उनके दरमियान तस्फ़िया करवाती है इसके अलावा फेडरल असम्बली को पार्ज़ ऑफ़ अलेक्शन इलेक्शन भी हासिल हैं वो फेडरल कौंसिल का इतखाब करती है कौंसल का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अलेक्ट करती है इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जो आर्म फोर्स हैं उसके कमांडर इन चीफ़ को अलेक्ट करती है वफाकी जो फेडरल ट्रिब्यूनल जो है यानी स्विट्जरलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फेडरल ट्रिब्यूनल कहा जाता है तो फेडरल ट्रिब्यूनल का के जजेस का इंतबा भी करती है और इसके अलावा आला जो वफाकी काम हैं उनका इंतखा जो है वो भी करती है और इस तरह इसके साथ साथ उसे फेडरल असम्बली को जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके हवाले से भी वो फंक्शन सर अंजाम देती है इस पर फॉरेन अफेयर्स पर उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है उसका इख्तियार होता है फॉरेन पॉलिसी की तश्कील उसकी तरतीब सफ़ीरों की तकर्री बैरूनी दुनिया से जो माहदात होते हैं उन माहदाद को आ, जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाना जंग और अमन के जो माहदात हैं दिफाई अमूर पर पॉलिसी इख्तियार करना दूसरे ममालिक से ताल्लुक बनाना ताल्लक़ कायम है तो उनको फ़रोग देना इस सिलसिले में ये तमाम काम जो है ये फ़ारन अफेयर के सिलसिले में फ़ॉर पॉलिसी के हवाले से ये फेडरल असम्बली सर अंजाम देती है लेकिन ये सारा काम जो है वो करती है फेडरल कौंसल लेकिन इसकी मंजूरी जो है वो फेडरल असम्बली से हासिल करती है नो डाउट फेडरल असम्बली जो है वो बहुत बाख्तियार है कानून साजी पर उसकी मुकम्मल गिरफ्त है और मुकम्मल इख्तियार रखती है और इसकी मिसाल हम ये दे सकते हैं कि उसकी की गई जो लेजिस्लेशन है उसको कोई इंतजामी इदारा अनडू नहीं कर सकता और ना ही कोई स्विस कोर्ट जो है उस पर रिव्यू लगा सकती है यानी उसको नहीं किया जा सकता मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्विस लोग जो है आवाम जो है वो भी कानून शादी के अमल में बराबर के शरीक हैं और बरह रास्त शरीक हैं सुनाचे स्विस जो लोग हैं या स्विस निज़ाम जो है स्विट्ज़रलैंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको अगर हम मद्देनज़र नज़र रखें तो स्विस पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमें मुनफरद हैत का हामिल नज़र आता है एक तरफ़ तो हमें फेडरल असम्बली जो है वो बहुत ज़्यादा बाख्तियार नज़र आती है वो इस तरह से कि कोई इंतज़ामी दारा और अदालत उसकी की गई कानून साजी को अंडू नहीं कर सकता लेकिन ऑन हैंड हम ये भी देखते हैं कि वो आवाम के सामने बेख्तियार और बेबस नजर आती क्योंकि अवामी अक्सरीत स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत बड़ी हकीक़त और ताकत का सरचश्मा है ये है आज का लेक्चर अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि